नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अश्विनी भारद्वाज। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि जो मंडी का व्यास नदी का जलस्तर है कितना बड़ा है, उसके साथ बता दें कि यहां पर जो कुछ युवा है जो प्रशासन व सरकार के दिशा निर्देशों को लाइटली तौर पर ले रहे हैं और नदी के समीप जा रहे हैं। यह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचवक्तर व्यास नदी के समीप। कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन की गाइडलाइन को यहां पर गंभीरता से ना लेते हुए युवक फिर वो नुकसान का जो अंदेशा यहां पर युवा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके परिजनों को झेलना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें जलस्तर की, तो यहाँ पर जो जलस्तर है लगातार नदी का बड़ा है, लगातार पुन्नो डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रशासन और सरकार के दिशा निर्देश मौसम विभाग के अनुसार मिलते हैं उनको सभी गंभीरता से लें और सुरक्षित रहें, नदी नालों से दूर रहें। और अभी आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी के ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर से। आप देखें यह मंडी का ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर, जो कि पिछले साल मंदिर के साथ गुजरती हुई यह व्यास नदी, लेकिन इस बार भी व्यास नदी मंदिर तक प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन पिछले जैसे माहौल नहीं हुआ है, वह सभी के लिए एक सुखमय संदेश। लेकिन जो स्थितियां हैं अभी भी गंभीर बन सकती है, लेकिन लोगों को यहां पर जागरूक रहने की खास आवश्यकता है। बता दें 31 जुलाई की बारिश से यहां ब्यास नदी का जो पानी है वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं जो रेत है यहां पर पड़ा है। तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो जल है यहाँ पर पहुँच चुका था और लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि लोग नदी नालों से दूर रहें। लेकिन फिर भी अगर लोग ना समझें तो इसमें प्रशासन और सरकार क्या करें, क्योंकि कभी भी ब्यास नदी का जो जलस्तर है बढ़ जाता है, बढ़ भी सकता है। तो लोग सावधानी पूर्वक रहें, नदी नालों से दूर रहें। तो वहीं अगर बात करें मंडी ज़िला में सड़कें कितनी अवरुद्ध है, तो जो लिंक रोड है काफ़ी मात्रा में अवरुद्ध है। लेकिन हाईवे की बात करें तो मंडी धर्मपुर और एक रोड यहां से मंडी और जंजाली के बीच भी लैंडस्लाइड की वजह से वहां रोड भी अवरुद्ध हुआ है, लेकिन उसको दुरुस्त करने का कार्य लगातार विभाग द्वारा किया जा रहा है। ले ली फोटो फिर लो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं और इनको पता नहीं कि यह फोटो कितना घातक भी सिद्ध हो सकता है अगर एकदम से पानी का यहाँ पर बहाव आए और तेज गति से पानी आए, तो कहीं ना कहीं मुसीबत में परिजन पड़ेंगे और प्रशासन फिर क्या करें। क्योंकि प्रशासन अपना काम लगातार कर रहा है, लगातार गाइडलाइन दे रहा है लोगों को कि नदी नालों से दूर रहें, मौसम विभाग की गाइडलाइन का सभी पालन करें।
तो जाहिर सी बात है कि इस लाइव को देखकर प्रशासन और भी सख्त निर्देश लोगों के लिए देगा कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए ही गाइडलाइन जारी करता है ताकि लोग सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा भी बनाए रखें। लेकिन हम सभी को यह समझना चाहिए कि सरकार और प्रशासन के जो अभी भी दिशा निर्देश है वो काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और सतर्क और जागरूकता बरतने की, यहाँ पर एहतियात बरतने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, देखते रहें लाइटर्स टीवी। धन्यवाद।